अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका समापन समारोह है आज। कार्यक्रम सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा। लगभग 18,000 बच्चे और लोग यहां पर गीता पाठ करेंगे। कार्यक्रम में आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा भी यहां पर पहुंचेंगे और उनके साथ में हरियाणा के समकक्ष मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहने वाले हैं। कार्यक्रम में गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज भी शिरकत करेंगे। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे थे और आज असम के मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र में पहुंचेंगे, शिरकत करेंगे इस खास कार्यक्रम में। समापन समारोह है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का। गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज भी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। असम के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनका स्वागत करेंगे और साथ में मौजूद रहेंगे। गुलशन ग्रोवर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। गुलशन, आज समापन समारोह है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का, क्या कुछ खास कार्यक्रम आज यहां पर देखने को मिलेंगे? देखिए चंद्र, बिल्कुल आज अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह 2023 का आज कुरुक्षेत्र में समापन समारोह है और आज ही 5107 साल गीता के उपदेश को आज पूरे हो जाएंगे और इसी उपलक्ष्य में आज 1 मिनट 1 साथ गीता का पाठ कार्यक्रम रखा गया है और कुरुक्षेत्र में 18,000 विद्यार्थियों द्वारा गीता का वैश्विक पाठ किया जाएगा। इसके अलावा अगर पूरे देश भर में बात करें तो लगभग 1 करोड़ लोग आज 1 मिनट 1 साथ गीता का पाठ करेंगे, जो कि मैदान से लेकर पहाड़ तक और गंगा से लेकर 7 समंदर पार तक, यानी विदेशों में भी आज 1 मिनट 1 साथ गीता का पाठ किया जाएगा। ये जानकारी गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज ने दी है कि कुरुक्षेत्र में तो 18,000 विद्यार्थियों द्वारा गीता का वैश्विक पाठ होगा, जिसमें असम के मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे और साथ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि इस बार कुरुक्षेत्र में जो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की जो थीम है वो असम की थीम रखी गई थी, इसलिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो है मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ शिरकत करेंगे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। दरअसल जो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती जो समारोह है वो देश ही नहीं अब विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है और हरियाणा सरकार लगातार इसके लिए कई कार्यक्रम जो है उन्होंने अलग अलग विदेशों में भी किए हैं, चाहे हम कनाडा की बात करें, यूके की बात करें, यूएस की बात करें, हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, इंग्लैंड में समेत कई देशों में जो है इस तरह के कार्यक्रम भी किए गए हैं और आज उन्हीं जगहों पर भी गीता का जो पाठ है वो एक ही जगह किया जाएगा, क्योंकि हितेंद्र गीता जो है किसी एक जाति या वर्ग की नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ने पूरा जो स्वाभिम के लिए गीता का जो संदेश है वो दिया था, इसलिए गीता का प्रचार प्रसार हर जगह हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक गीता का प्रचार प्रसार पहुंचे, इसके लिए लगातार हरियाणा सरकार जो है प्रतिबद्ध है और लगातार इस तरह के कार्यक्रम जो है हर जिले वाइज भी जो है किए गए हैं। और आज मुख्य कार्यक्रम की बात करें तो चार कार्यक्रम रखे गए हैं जिसमें 18,000 विद्यार्थियों द्वारा गीता का वैश्विक पाठ हो या फिर हरियाणा और असम में असम पवेलियन जो बनाया गया है उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें हरियाणा की संस्कृति को दर्शाया जाएगा और असम की संस्कृति को दर्शाया जाएगा, वहां पर भी कार्यक्रम किए गए हैं। इसके अलावा 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि जो है उसके 164 तीर्थ स्थलों पर आज दीपोत्सव कार्यक्रम भी होगा और अन्य कार्यक्रम भी होंगे, यानी आज जितनी जो 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि है उसके 164 तीर्थ स्थल जो है बनाए गए हैं वहां पर भी दीपोत्सव कार्यक्रम होगा, यानी कि दीपों का दान होगा, आज दीप जलाए जाएंगे और ब्रह्म सरोवर के नजदीक कई लाख दीप जलाने की तैयारी है वो यहां पर की गई है। बिल्कुल। उसमें कई धार्मिक संस्थाएं, कई सामाजिक संस्थाएं, तमाम जो लोग आएंगे वहाँ आज दीपोत्सव का कार्यक्रम करेंगे और इसके अलावा श्री मद भगवत गीता सदन में कार्यक्रम है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कार्यक्रम है, 48 कोस जो तीर्थ सम्मेलन वहां पर भी जो है इस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे।
जी और ये जानकारी जो है आज गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज जी ने कल ही दी थी, जब हमने देखा था कि देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, जहां संतों का सम्मेलन कार्यक्रम था, और खुद अमित शाह ने भी ये जानकारी दी थी कि गीता का ज्ञान बहुत जरूरी है, और जिस तरह से गीता का प्रचार प्रसार अब देश ही नहीं विदेशों में भी किया जा रहा है, तो उससे एक लोगों को जो है मार्ग मिलता है और अच्छी उन्नति होती है, और सभी लोगों को गीता का पाठ करना चाहिए। जी, और बिल्कुल 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 गुलशन, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार गीता जयंती महोत्सव को लेकर के कई कार्यक्रम जो है वो निर्धारित किए गए हैं, और आज धूमधाम के साथ जिस तरह से ये गीता महोत्सव मनाया गया है, आज इसका समापन समारोह होना है, और इसमें स्टेट पार्टनर जो रहा है असम, उसके मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे।